बिजनौर जनपद के सिवारा थाना क्षेत्र में 24 दिसंबर की रात्रि में एक भतीजे ने अपने चाचा की सोते समय गला रेतकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। इस हत्या के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पीएम के लिए भेज दिया था और आरोपी की तलाश में जुट गई थी। इस हत्या का खुलासा करते हुए SP देहात विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि सुलेमान की हत्या उसके भतीजे अनीस ने 24 दिसंबर की रात में की थी। मृतक ने अपने घर के पास 16 गज जमीन बेची थी और अपने सगे भाइयों को रुपया बांटा था, जिसको लेकर अनीस ने 24 दिसंबर की रात में सोते समय सुलेमान की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और चुपचाप मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। बिजनौर से फैसल खान, लाइव अभी तक। चौबीस/25 दिसंबर की रात को एक मोहल्ला पड़ता है थाना शिवहारा में, कस्बा मोहल्ला, वो उसी कस्बे में ही है, उसका नाम भी कस्बा मोहल्ला है। उसमें सुलेमान नाम के व्यक्ति की रात में हत्या कर दी गई थी और उसके सर पे धारदार हथियार से हमला किया गया था। और जो सुलेमान मृतक हैं वो दिव्यांग भी थे और जब रात को वो घर के बाहर ही सोते थे और जब रात को उनको जगाया गया तो तब देखा गया कि वहाँ खून पड़ा हुआ था और उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें हमारे CO धामपुर महावीर सिंह और SO सिवारा उदय प्रताप हैं, इन लोगों की टीम ने बड़ी मेहनत से कार्य किया और प्रथम दृष्टया देखने से ही लगता था कि वो मामला घर के अंदर ही है। जब पूरी जानकारी की गई और जांच किया गया तो ये पता चला ये मुख्य रूप से भूमि विवाद से संबंधित मामला था और इसमें मृतक के पास 16 बीघे जमीन थी, 16 गज जमीन थी, जिसको इसका सगा भतीजा जो था अनीस वो लेना चाहता था। इसके अलावा कुछ और भी कारण थे घरेलू, और साथ में जो मृतक था उसने अपनी ज़मीन बेची थी जिसमें उसे कई लाख रुपए मिले थे, जिसने उसने सभी भाइयों में बांटा था और सिर्फ इसी को कुछ पैसा उसने नहीं दिया था। इस बात को लेकर भी जो इसका सगा भतीजा अनीस वो काफ़ी रुष्ट था और इन्हीं सब कारणों से उसने 24/25 रात को चापड़ से मार के उनकी हत्या कर दी। और बाद में जांच के बाद जब वो प्रकाश में आया तो उसने अपने बयान में एक्सेप्ट भी किया कि इन्हीं कारणों की वजह से उसने हत्या की थी। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके आला कतल ही बरामद कर लिया गया है और उसको जेल भेजा। ये 16 गज जमीन कहाँ थी? ये उसके घर के ही पास में थी और क्योंकि वो सड़क पे थी तो इस वजह से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी।